हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक पेपलम टॉप। इसका लुक बहुत ही डिफरेंट आता है और इसे बनाना बहुत ही सिंपल है। तो पेपलम टॉप बनाने के लिए मैंने ये 1.5 मीटर का फैब्रिक लिया हुआ है। इसमें से हमारा आसानी से पेपलम टॉप बन जाएगा। तो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैंने ये कपड़े को 4 फोल्ड किया हुआ है। सबसे पहले मैं टॉप का पार्ट बनाऊँगी, तो उसके लिए मैं शोल्डर ले रही हूँ 7 इंचेस, आर्म होल भी मैं लूंगी 7 इंचेस। चलिए दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं चेस्ट पार्ट लूंगी, वो है 11 इंचेस। आपका जो भी साइज है उसका बस 4th पार्ट कीजिए और उसमें 1.5 से 2 इंच सेम अलाउंस के लिए ऐड कर दीजिए। ये हो गया मेरा 11 इंचेस। अब मैं टॉप पार्ट की लेंथ ले रही हूँ 18 इंचेस। मैंने 1 इंच सेम अलाउंस के लिए ऐड किया हुआ है, तो ये मैंने 18 इंचेस लिया हुआ है। अब कमर की ब्रॉडनेस में लूंगी 10 इंचेस। चलिए दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेते हैं। अब मैं आर्म होल बनाऊंगी, तो ये मैंने लिया था 7 इंचेस, उसका हाफ होता है 3.5, तो वहां पे मैं मार्क करूंगी। अब यहाँ से मेरा कर्व शुरू होगा, तो यहाँ पे हम आर्म होल बना लेते हैं। ये हो गया मेरा आर्म होल। अब मैं नेक बनाऊंगी, तो नेक की ब्रॉडनेस में ले रही हूँ 4 इंचेस। और लेंथ में लूंगी 2 इंचेस। अब दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए मैं राउंड शेप दूंगी। ये हो गई है मेरी मार्किंग। अब हम इसे कट करेंगे। ये हो गया मेरा टॉप का पार्ट। मैं बॉटम के पार्ट की कटिंग अलग से करूंगी। तो ये देखिए, मुझे 2 पार्ट फ्रंट और बैक के लिए मिल गए हैं। तो ये बॉटम का पार्ट कट करने के लिए मैंने फिर से इसे 4 फोल्ड किया हुआ है। अब फोल्डेड एरिया से यहाँ पे मैं लूंगी 5 इंचेस। यहाँ पे मैं एक मार्क करूंगी और यहाँ से भी मैं 5 इंचेस पे एक मार्क करूंगी। चलिए दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए मैं राउंड शेप दूंगी। इस तरह से आपको राउंड शेप देना है। अब इस मार्किंग से मैं 10 इंचेस पे एक मार्क लगाऊंगी। ये आप अपनी लेंथ के हिसाब से वेरी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ले रही हूँ 10 इंचेस। तो इस तरह से आपको पूरे में 10 इंचेस पे मार्क लगानी है। चलिए सारे पॉइंट को ज्वाइन कर लेते हैं। अब मैं इसे कट कर लूंगी। तो ये देखिए, मेरे बॉटम के पार्ट की कटिंग हो गई है। मैं इसे खोल के दिखा देती हूँ।
ये हो गया है मेरा सर्कल। स्टिचिंग की ओर बढ़ते हैं, तो सबसे पहले मैं नेक पार्ट बनाऊंगी। उसके लिए मैंने एक स्ट्रिप कट की हुई है नेक के शेप की, उसे मैं इसे इसके ऊपर उल्टी रखूंगी। तो ये मेरा राइट साइड है, उसके ऊपर मैंने ये स्ट्रिप को उल्टी रखी हुई है। अब यहाँ पे मैं सिलाई लगाऊंगी। सिलाई लगाने के बाद मैं यहाँ पे नॉचेस लगाऊंगी, तो आपको बस हल्के हाथों से यहाँ पे नॉचेस लगाने हैं। इस तरह से नॉचेस लगाते हुए ध्यान रखें कि आपकी सिलाई ना कटे। अब मैं इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करके डबल फोल्ड कर लूँगी। तो इस तरह से आपको इसे रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करना है। इस तरह से आपको बैक का पार्ट भी प्रिपेयर करना है। ये देखिए मैंने नेक बना लिया है। अब मैं शोल्डर फिटिंग करूंगी। तो ये मेरा राइट पार्ट है, उसके ऊपर मैं दूसरे पार्ट को रॉन्ग रखूंगी, यानी दोनों राइट पार्ट को मिला के आपको शोल्डर की फिटिंग करनी है। यहाँ पे आपको सिलाई लगानी है और यहाँ पे भी दोनों को मिला के आपको सिलाई लगानी है। तो देखिए मैंने शोल्डर फिटिंग कर ली है। अब मैं आर्म होल बनाऊंगी। तो जैसे मैंने नेक बनाया था वैसे ही आपको आर्म होल बनाने हैं। तो उसके लिए मैंने एक कॉस्मिक स्ट्रिप कट की हुई है, इसे मैं यहाँ पे इस तरह से उल्टा रखूंगी और यहाँ पे पूरे में सिलाई लगाऊंगी। इसी तरह से आपको दोनों आर्म होल बनाने हैं। सिलाई लगाने के बाद मैं यहाँ पे नॉचेस लगाऊंगी। जैसे हमने नेक पार्ट बनाया था वैसे ही आपको ये आर्म होल भी बनाने हैं। नॉचेस लगाने के बाद मैं इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करके डबल फोल्ड कर लूंगी। इसी तरह से आपको दोनों आर्म होल बनाने हैं। इसी तरह से आपको यहाँ पे डबल फोल्ड करना है रॉन्ग साइड पे। इसी तरह से इसको भी रॉन्ग साइड पर डबल फोल्ड करना है। तो ये देखिए मैंने आर्म होल बना लिया है। अब मैं फिटिंग करूंगी, उसके लिए मैं इसे उल्टा रखूंगी। अभी टॉप है तो मैं इस ज़्यादा फिटिंग नहीं करूंगी। तो आप चाहे तो 1 इंच की डिस्टेंस पे सिलाई लगा सकते हैं। टॉप है तो ये लूज ही अच्छा लगेगा। तो मैं चेस्ट पार्ट में ले रही हूँ 20 इंच। तो चेस्ट में लूंगी यहाँ पे 20 इंच। कमर की ब्रॉडनेस में ले रही हूँ 17 इंच। चलिए दोनों पार्ट को ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ पे आपको सिलाई लगानी है, यहाँ पे यहाँ तक आपको सिलाई लगानी है। ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। अब मैं इसे टर्न करूंगी राइट साइड पे। तो ये हमारा टॉप का पार्ट बिल्कुल तैयार है। तो इसके साथ में हम बॉटम को ज्वाइन करूंगी। तो यहाँ पे आपको बॉटम को जॉइन करनी है। तो मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए एग्जैक्ट वही साइज का है। अभी मेरा राइट पार्ट है, उसके ऊपर मैंने बॉटम को रॉन्ग रखूंगी। तो आपको दोनों राइट पार्ट को मिला के यहाँ पे पिन करना है ताकि सिलाई के वक्त आसानी रहे। तो यहाँ हम पिन कर लेते हैं।
आपको दोनों राइट पार्ट को मिला के इस तरह से पिन करना है। इसी तरह से पूरी लेंथ में आपको पिन करना है। तो ये देखिए मैंने पूरे में पिन कर ली है। अब ये पूरी लेंथ में आपको सिलाई लगानी है। देखिए पूरी लेंथ में आपको सिलाई लगानी है। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगाती है और मेरे दोनों पार्ट जॉइंट कर लिए हैं मैंने। ये देखिए अब लास्ट में मैं नीचे की बॉर्डर फोल्ड करूंगी। तो इसको बस आपको रॉन्ग साइड पे इसे डबल फोल्ड कर लेना है। इस तरह से डबल फोल्ड करके आपको पूरी लेंथ पे सिलाई लगानी है। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। तो देखिए तैयार है हमारा पेपलम टॉप। सिंपल है इसे बनाना और आप इसे घर पे आसानी से बना सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और क्लिक कीजिए उस बेल आइकॉन पे ताकि आपको हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।